इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को एक ऐसे महापुरुष से रूबरू करवाएंगे जिनको लेकर ऐसी मान्यता है कि वो पिछले 5000 सालों से जिंदा है। सो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के हमारे खान पान और वातावरण में कोई इंसान कितने वर्षों तक जिंदा रह सकता है तो आपका जवाब शायद 100 वर्ष के आसपास होगा। लेकिन यदि मैं कहूं कि कोई इंसान 5000 वर्षों से जिंदा है तो आपको शायद विश्वास ही नहीं होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी एक महायोगी पुरुष 5000 वर्षों से जिंदा है और इन्होंने संत कबीर को भी दीक्षा दी, साथ ही उन्होंने आदि शंकराचार्य को भी योग की शिक्षा दी एवं विश्व के महान योगी राज कहलाने वाले संत श्याम चरण लाहिड़ी को भी इनका चेला बताया जाता है। तो जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत के महायोगी गुरुओं के गुरु महाअवतार बाबा जी की। वैसे तो इनका सही नाम किसी को नहीं पता, लेकिन लोग इन्हें महाअवतार बाबा जी के नाम से जानते हैं। महाअवतार बाबा कौन है, कहाँ रहते हैं और क्या सचमुच ही वे 5000 वर्षों से जिंदा है? क्या है महाअवतार बाबा का रहस्य? सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे और आप भी मेरी तरह भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों महान संतों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल केएस फैक्ट को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और पहले ही आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर कोई भी हवाई बातें नहीं होने वाली कि हाँ भी उस पुस्तक में लिखा है, ऐसी छोटी मोटी पुस्तकों के नाम नहीं बताने वाले। आज हम जिस पुस्तक के द्वारा आपको सबूत देंगे इस बात का, वो पुस्तक इतनी ज़्यादा फेमस है कि उसको अमेजन कंपनी के मालिक यानी कि अपने कहें तो जेफ बेजोस भी पढ़ते हैं और अपने कहें तो राष्ट्रपति बड़े बड़े देशों के जिस प्रकार से पुतिन की बात करें वो भी इस पुस्तक को पढ़ते हैं। वह भारत के जो अपने कहें तो अभी जो टीम के कैप्टन है विराट कोहली भी इस पुस्तक को पढ़ते हैं। वह भारत के बड़े बड़े व प्रसिद्ध व्यक्ति भी इस पुस्तक को पढ़ते हैं, यह कोई छोटी मोटी पुस्तक नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो मालिक हैं बिल गेट्स, उनका भी यह कहना है कि वो भी इस पुस्तक को डेली लाइफ में पढ़ते हैं, वे इस पुस्तक के कारण उनका पूरा जीवन ही बदल गया। तो इतनी महान पुस्तक के द्वारा इस बात का सबूत भी हम आपको देंगे कि इस वीडियो में बताई गई बातें यूं ही हवा में कही हुई नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बताएं कि जो महायोगी बाबा जी के हम जिनकी बात करते हैं उनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वो श्री कृष्ण जी के अवतार हैं। वे श्री कृष्ण जी के बाद वो इस पृथ्वी पर आए थे, वे पिछले 5000 वर्षों से वो इसी पृथ्वी पर रह रहे हैं। दरअसल दोस्तों हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर कहा जाता है कि तिल घटे न राई बड़े जो लिख दी करतार, यानी कि श्वासों की जितनी गिनती जितनी प्रभु ने लिख दी वो तिल के दाने जितनी बढ़ नहीं सकती, वह राई के दाने जितनी घट नहीं सकती। लिखे तेरे सांस विलास, मतलब जितनी श्वासों की गिनती लिख दी, परंतु इन योगियों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग प्राणायाम विधि के द्वारा योग विद्या के द्वारा अपने सांस लेने की गति इतनी धीमी कर देते हैं, यहाँ एवरेज मनुष्य की बात करें तो वो कई ज़्यादा सांस लेता है एक मिनट में, परंतु महान योगी होते हैं वो कई मिनटों में एक सांस लेते हैं जिनके कारण उनके जीवन काल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा ही महान योगी बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि इसी विद्या से वो पिछले 5000 वर्षों से जीवित हैं। वे इनके बहुत सारे शिष्यों के सबूत भी देखने को मिलते हैं। दरअसल संत श्री परमहंस योगानंद जिनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जिनके कारण विश्व के कई महान हस्तियों का जीवन पूरी तरह बदला है, इसके बारे में आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी महान व प्रसिद्ध पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। इनके अंदर संत श्री परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि इन्होंने महान योगी बाबा जी से महायोगी पुरुष से
भेंट हुई थी कुंभ के मेले में और उसका वृतांत पूरा ये बताते हैं। दरअसल महान योगी बाबा जी के बारे में सबसे जो हैरानी वाली बात वो यह है कि जिनको जिन्होंने भी इन्हें आज तक देखा है इनको युवा अवस्था में ही पाया है, यानी कि 19 से लेकर 25 वर्ष की उम्र के बीच में। और श्री परमहंस योगानंद जी अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के अंदर बताते हैं कि जब इन्होंने महान योगी बाबा से भेंट करी तो उनकी उम्र लगभग 20 से 21 वर्ष की थी। और इन्होंने आगे अपनी पुस्तक के अंदर जिक्र करा है कि महान योगी बाबा का निवास स्थान इन्होंने उत्तराखंड के आसपास किसी जगह को बताया है और वो जगह इतनी विश्व प्रसिद्ध आज के समय में हो रखी है कि वहाँ पर साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत व शिल्पा शेट्टी जैसे बड़े बॉलीवुड अभिनेत्री भी वहाँ पर जाते हैं, उनका विश्वास वहाँ पर है। महान योगी बाबा को लेकर कहा जाता है कि वो किसी के भी सामने ऐसे नहीं आते, परंतु जब भी उनके भक्तों को आवश्यकता होती है वो उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। महान योगी बाबा को लेकर एक पुस्तक के अंदर एक वृतांत दिया गया है कि एक बार एक उनका शिष्य जो कि बाल्य अवस्था में था, उन्होंने योग विद्या लेने की हड़ पकड़ लिया और कहा कि अगर मुझे योग विद्या प्राप्त ना हुई तो मैं पहाड़ से कूद कर जान दे दूंगा। इस पर महान योगी बाबा ने उन्हें कहा कि पहाड़ से कूद जाओ। वह बालक सच में कूद गया, वह उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके शव पर महान योगी बाबा ने हाथ रखा, वह शव बच्चा दोबारा जिंदा हो गया। उसके बाद उन्होंने योग शिक्षा दी थी। दरअसल दोस्तों एक और नाम से हम आपको परिचित करा दें जिनका नाम था युतेश्वर गिरी। उनकी एक पुस्तक भी है जो कि वर्ल्ड फेमस है, पुस्तक का नाम है द होली साइंस। इस पुस्तक के अंदर भी युतेश्वर गिरी जी ने वर्णन करा है कि उन्होंने भी एक बार महान योगी बाबा से भेंट करी थी और तब उनकी उम्र उन्होंने लगभग 22 वर्ष के आसपास बताई थी। दरअसल दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि महान योगी बाबा श्री कृष्ण जी के अवतार के जस्ट बाद इस पृथ्वी पर पैदा हो गए थे। वे श्री कृष्ण जी के ही अवतार हैं। वैसा माना जाता है कि वो इस पृथ्वी पर कल्कि अवतार तक रहेंगे। जब कल्कि अवतार इस पृथ्वी पर पुनः युग स्थापना कर देंगे उसके बाद ही महान योगी पुरुष इस पृथ्वी से भी प्रस्थान कर लेंगे। ऐसे एक दो पुस्तकों में नहीं कही कई ऐसी पुस्तकें वे महान योगी हैं जिन्होंने इस बात का दावा करा है कि उन्होंने महान योगी बाबा को देखा है। जो महान योगी बाबा की एक पिक्चर है जो इंटरनेट पर मौजूद है, उनका जो वर्णन बताया गया है वो संत श्री परमानंद जो अपने योगानंद जी हैं उनकी जो पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी उसके अंदर जो उन्होंने वर्तांत बताया था उसके हिसाब से उन्होंने उनकी एक पिक्चर भी बनाई थी महान योगी बाबा की। और वही जो पिक्चर है वो आज पूरे इंटरनेट पर वायरल है उनकी। और ऐसा कहा जाता है कि महान योगी बाबा आज भी जिंदा हैं उत्तराखंड और हिमालय के उन पहाड़ों के बीच में, वो कहीं पर अपना निवास स्थान बनाए हुए हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग के अंत में कल्कि अवतार सभी के सामने ईश्वरीय रूप में प्रकट होंगे, वे दोबारा धर्म स्थापना करके सत्य की जीत होगी, उसके बाद ही महायोगी बाबा इस पृथ्वी से प्रस्थान करेंगे। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।